Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. उन वार्ड बॉयज के साथ जो मर्द और औरत आए थे वो उस लड़की के माँ बाप थे। बहुत परेशान और शर्मिंदा होकर उसकी वालदा मुझसे मुखातिब हुई और बोली, माफ करना बरखुरदार, ये हमारी बेटी है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसका इलाज चल रहा है। आज सुबह ये अस्पताल से भाग आई, हमने इसे बहुत ढूंढा, फिर किसी ने कॉल पर इसके हुलिये की निशानदेही करवाते हुए हमें इस पार्क का पता बताया, तो हम फौरन यहाँ चले आए। उस औरत के लहजे में इस कदर ममता और दर्द था कि मेरा दिल भर आया। मैं उस लड़की के आगे से हट गया। वो लड़की मुझे लताफत से देखने लगी। मेरा जी चाहा कि मैं उसे रोक लूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसकी माँ ने शफकत से उसका हाथ पकड़ा और वो सब गेट की जानिब चल दिए। गेट पर पहुँच कर उस लड़की ने पलट कर मेरी तरफ कुछ इस मासूमियत से देखा कि मैं बेइख्तियार रो पड़ा। मैं कश्मकश और हैरत में मुब्तिला वहीं खड़ा अफसोस करता रहा कि एक लड़की जो कुछ ही देर में मुझसे मानूस हो गई थी, उससे उसकी दर्द की वजह तो दूर, उसका नाम तक नहीं पूछ सका। मैं मायूसी की तस्वीर बना उसी बेंच पर बैठ गया। मेरी आँखों से अब भी मुसलसल आंसू निकल रहे थे। अचानक मेरी नज़र बेंच के नीचे गिरे कागज़ के एक तयशुदा टुकड़े पर पड़ी, जिस पर कई सिलवटें पड़ी हुई थीं। ये वही कागज़ था जिसे उस लड़की ने मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रखा था, जिसे मैं रुमाल समझ रहा था। यकीनन ये उस गहमा गहमी में उस लड़की के हाथ से यहाँ गिर गया होगा। ये सोचकर मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस कागज पर एक खत लिखा हुआ था, मेरी प्यारी मन्नत, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी जायज भी है। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है भला? मेरे बस में होता तो मैं दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स बंद कर देता, मगर क्या करूँ, ड्यूटी कॉल्स, नए स्केड्यूल के मुताबिक मेरी बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं फरवरी से पहले घर आ सकूं। ये पढ़कर तुम और उदास मत हो जाना, मेरी जिंदगी में सुकून तुम्हारी मुस्कुराहट से ही तो है। देखो, मेरे लौटने तक तुम्हारी रेजिडेंसी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी, फिर हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि फूल से खुशबू खफा तो हो सकती है लेकिन जुदा नहीं रह सकती। तब तक तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना। जब तक तुम्हें ये ख़त मिलेगा तब तक मैं सियाटल के लिए रवाना हो चुका होऊंगा। तुम अपना लेटर मेरे हेड ऑफिस के एड्रेस पर ही पोस्ट कर देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा मुराद। ये ख़त पढ़कर मैं अपने हवास खो बैठा। ये नाम मैंने 6 माह पहले खबरों में सुना था। कैप्टन मुराद का तैयारा 300 मुसाफिरों समेत किसी फनी खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। ये अफसोसनाक वाकया कई हफ्तों तक सुर्खियों में रहा था। इस एक हादसे ने उस लड़की से उसकी ज़िंदगी छीन ली, उसका हाफसा छीन लिया, उसका करियर ख़त्म हो गया और वो संगे मरमर से रेत की दीवार बन गई। मेरी ज़िंदगी की किताब में तुम्हारे नाम से शुरू होने वाले हर हसीन सफ़े पर मेरे माजी के तबाह कुन वाकयात बहुत खूबसूरती से बयां किए गए हैं। एक हादसा जो मुझे खालिक हकीकी से जा मिला देता है और तुम्हें नफ्सियात के किसी खाने में फेंक देता है। शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें बीच सफ़र छोड़ आया। तुम्हारी बेरुखी के आबशारे आंसू में माफ़ी के कुछ कतरे मुझे आज भी नज़र आते हैं। तुम क्या मुझे तारों में ढूंढा करती हो, मैं तो तुम्हारे सीने में जगमगाता हूँ। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का
बहुत बहुत शुक्रिया।